हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। पिछले क्लासेस में जो है हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पार्ट था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। हम लोग का जो आज पोर्शन होगा, जो टॉपिक होगा, वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग जो है ये पूरा ह्यूमन ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर जो है ना, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, इसको हम लोग चार ब्रॉड पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स जो हम लोग कल खत्म किए, और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो आज हम लोग शुरू करेंगे। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, देखो बच्चों, ये जो एक्चुअली चार पार्ट है ना, ये क्लास 10 में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में जो ये चार पार्ट है, यही क्लास 12 में जो है ना चार चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर वन में क्या है, पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चैप्टर नंबर वन में। चैप्टर नंबर टू में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर थ्री ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर फोर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12 में है। मतलब क्लास 10 का ये चैप्टर जो है ना, इससे क्लास 12 में चार चैप्टर बनेगा, एक यूनिट बनेगा पूरा, ठीक है ना। और बहुत एकदम डीप जा करके जो है एकदम पढ़ाया जाएगा, मजा आएगा उसमें, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कंसेप्चुअल होगा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। मतलब क्या है? मतलब एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बना करके रखने के लिए क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग जो है हेल्दी बनने का मतलब क्या होता है? देखो, हेल्दी का मतलब होता है फिट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, एंड सोशल वेल बीइंग भी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इन एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूंगा। फिजिकली फिट होना रिप्रोडक्शन के रिलेटेड एस्पेक्ट में मतलब क्या है? फिजिकली फिट मतलब कि देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अगर वो मेल इंडिविजुअल है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अच्छी तरह से डेवलप किया हुआ रहेगा। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अच्छी तरह से एकदम पूरा डेवलप किया हुआ। फिजिकली फिट होने का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अच्छे तरह से डेवलप होना चाहिए उस इंसान के अंदर में। मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या है? देखो, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे अफवाह सब होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, ये खास करके ज़्यादा करके मतलब कि फीमेल्स में देखने को मिलता है, गलत सलत फैलाया जाता है। जैसे कि देखो, मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको जो है वो किचन में एंटर नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। इतने सारे जो है ना मेंटली मतलब कि टॉर्चर करने के तरह गर्ल्स के लिए हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज ना होने देना, दैट इज नोन एज मेंटली स्ट्रांग, मेंटली फिट। सोशल वेलबींग मतलब क्या है, ठीक है ना, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। देखो, अभी क्या होता है, गे मैरिज अलाउड है ना, गे मैरिज अलाउड है ना, मतलब लड़का लड़का के साथ शादी कर सकता है, अलाउड है, ये कोर्ट अलाउ किया है, ठीक है ना। लड़की लड़की के भी साथ कर सकती है, और बहुत सारे एकदम हुआ भी है दुनिया में। तो वो जो है ना, उसको हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में ना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सोशल वेलबींग नहीं है उसके अंदर में। सोशल वेलबींग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड का मतलब है ऑपोजिट जेंडर के तरफ अट्रैक्शन होना, ठीक है। अगर सेम जेंडर के बीच में अट्रैक्शन हो तो वो सोशल वेलबींग, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में सोशल वेलबींग वो नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज, ये सब तीनों चीज जो है ना होना चाहिए, तब जाकर के रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है वो इंसान, ऐसे करके बोला जाएगा। देखो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये मेंटेन करने के लिए जो है हम लोग को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, इस टॉपिक का लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन करना अपने आप को। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो, हमारे सोसाइटी को ना एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी अगर बना करके हम लोग रखना चाहते हैं
तो क्या करना बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन स्टेबिलाइज करना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं हम लोग, देन वी रिक्वायर पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन। मतलब क्या होता है, मतलब पॉपुलेशन को ना स्टेबल बना करके रखना, बहुत ज्यादा बढ़ने भी नहीं देना, पिक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होने देना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन घटने भी नहीं देना। अभी जो है देखो इंडिया जो है रैंक नंबर 1 हो गया पॉपुलेशन में, चाइना से भी ज्यादा इंडिया में पॉपुलेशन हो गया है, वर्ल्ड का रैंक नंबर 1 हो गया। तो क्या ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हो रहा है इंडिया का? नहीं हो रहा है, ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम लोग किसको बोलेंगे, जहाँ पर अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पर। इंडिया में देखो, इंडिया से जो है ना डबल जैसा एरिया में है चाइना, डबल से भी ज़्यादा है एरिया में चाइना। रसिया देखो सबसे एकदम लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, इंडिया से कितना गुना एकदम सरफेस एरिया में ज़्यादा होगा, एरिया बहुत ज़्यादा है इंडिया से, बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना मिनिमम 5 गुना तो ज़्यादा होगा ही रसिया का एरिया, हमको पता नहीं एग्जैक्टली, वो तुम लोग जाकर के देखना। तो रसिया इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद जो है ना रसिया का पॉपुलेशन इंडिया से बहुत 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 कम है। रसिया में जो है इतने सारे रिसोर्सेस है, चाइना में भी बहुत सारे रिसोर्सेस है। अच्छा अमेरिका में रिसोर्सेस नहीं है क्या? बहुत सारे रिसोर्सेस है अमेरिका में, नेचुरल रिसोर्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, दिमाग भी है, फिर भी पॉपुलेशन कहाँ वो लोग बढ़ाता है, इतना नहीं बढ़ाता है पॉपुलेशन। रसिया का ही देखो इतना बड़ा एकदम एरिया है, कितना उसमें फॉरेस्ट है, कितने सारे मिनरल्स उसमें मिलते हैं, पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, यूरेनियम ये सब भी, थोरियम जो है न्यूक्लियर जो एनर्जी मिलता है वो सब चीज़ भी पाया जाता है, मतलब बहुत रिसोर्स बहुत एबंडेंट है उस कंट्री में, फिर भी जो है उसका पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखा गया है। क्यों? ताकि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए पॉपुलेशन को ना कंट्रोल करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करके होगा? कंट्रासेप्शन से होगा। अभी हम लोग सिलेबस में आते हैं, देखो कंट्रासेप्शन का मतलब क्या है। कंट्रासेप्शन का मतलब मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना कैसे करके, बाय अवॉइडिंग फर्टिलाइजेशन। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय अवॉइडिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है, मेल एंड फीमेल गेमेट्स को फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है, रोक देना है। फर्टिलाइजेशन रोक दिया जाएगा तो प्रेगनेंसी क्या होगा, होगा नहीं होगा प्रेगनेंसी। तो फर्टिलाइजेशन रोक करके प्रेगनेंसी रोक देना, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रासेप्शन। अब जो कंट्रासेप्शन के लिए ना, कंट्रासेप्शन के लिए बहुत सारे कंट्रासेप्टिव डिवाइस और कंट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस और कंट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी देखते हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइस और कंट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या है, ठीक है बच्चों। तो नंबर 1 देखो यहाँ पर, मैकेनिकल और बैरियर और फिजिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड और बैरियर मेथड, ये पहला सबसे पहला ये कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, मेथड। मैकेनिकल फिजिकल बैरियर जो है ना, इसमें क्या किया जाता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है ना दोनों को एक दूसरे के साथ मीट करना नहीं देता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देगा, कॉन्टेक्ट में आने नहीं देगा, कैसे करके, बीच में एक बैरियर बन के, बीच में एक बैरियर बन के। कैसे बैरियर, कौन बैरियर बनेगा? देखो मेल्स में जो है ना, मेल इन द केस ऑफ मेल्स, मेल्स में जो है कॉन्डोम्स आर देयर, ये कॉन्डोम्स जो है ये क्या करता है, ये रबर और लेटेक्स, LATEX, लेटेक्स रबर की तरह ही होता है, एकदम पूरा फ्लेक्सिबल मटेरियल है, रबर और लेटेक्स से बना हुआ एक बहुत पतला सीट होता है, SHEATH, ठीक है ना, रबर और लेटेक्स का बना हुआ सीट होता है। और ये पेनिस जो है मेल कोपुलेटरी ऑर्गेन, उसके ऊपर में वॉर्न किया जाता है। देखो अब स्पर्म सेल जो भी डिस्चार्ज होगा ना, वो जो है वही कॉन्डम्स के अंदर में ट्रैप होकर के रह जाएगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर में एंटर नहीं करेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर में एंटर नहीं किया मतलब ओवम के साथ नहीं मिलेगा स्पर्म सेल, लाइसेंस नहीं होगा। मेल्स में तो कॉन्डम्स होते हैं, फीमेल्स में क्या होते हैं, फीमेल्स में फेमिडोम्स होते हैं, फेमिडोम्स। देखो फेमिडोम्स क्या होते हैं,
यहाँ पर जो है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का एक छोटा सा पार्ट हम लोग लेते हैं, ये सर्विक्स है, और यहाँ पर जो है ना ये वेजाइना है सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे करके जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फेमिनोम जो है ना ये भी सेम रबर और लेटेक्स सिट होता है। कैसा सिट होता है? सिलेंडर शेप वाला सिट होता है, और इसका एक एंड क्लोज होगा, एक एंड खुला हुआ होगा। ओपन वाला एंड जो है ना इसको हम लोग इधर रखते हैं, ये बाहर की तरफ, और ये क्लोज वाला एंड जो है इसको हम लोग अंदर की तरफ ऐसे करके रखा जाता है, देखो, ठीक है, ऐसे करके, मतलब ये जो है ना दिखने में ऐसा होता है, ये लंबा इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप होता है। एक एंड यहाँ पर ये खुला हुआ है, दूसरा एंड यहाँ पर जो है ना ये क्लोज है। तो यहाँ पर स्पर्म सेल जो है ना, देखो यहाँ पर डिस्चार्ज अगर हो भी जाता है, यहाँ पर डिस्चार्ज हो भी जाता है, तो ये अंदर एंटर नहीं करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं फेमिडोम कहते हैं, फीमेल्स में जो यूज किया जाता है फेमिडोम, ठीक है, फीमेल्स में। और मैकेनिकल और बेरियर मेथड जो है दे आर रिगार्डेड एज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड, इसको हम लोग सबसे बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, या फिर आइडियल भी बोल सकते हैं, आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड भी बोल सकते हैं। क्यों कहते हैं बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड? देखो क्योंकि इसके जो है ना रीजंस ये देना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं ये चीज, ठीक है। ऐसे करके विच वन इज द बेस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड, गिव रीजंस व्हाई, विच वन इज द बेस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड, सबसे बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड कौन से है, रीजंस दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, मैकेनिकल बैरियर मेथड जो है ये सबसे बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड है, उसमें भी कॉन्डोम जो है दे आर द बेस्टेस्ट, ओके, सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखो एक बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड का ना कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होते हैं, आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड का कुछ क्वालिटी होते हैं जो कि इसके अंदर में ना एकदम प्रेजेंट है। क्या होना चाहिए? देखो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल मतलब कि पहुंच में होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर ये डिवाइस है ये अवेलेबल तो है हर एक मेडिकल स्टोर में, ये अवेलेबल है, एक्सेसिबल भी है, मतलब कि हम लोग खरीद सकते हैं, पहुंच सकते हैं इसके पास, आउट ऑफ रीच ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर है, ठीक है। ऐसा अगर कंट्रासेप्टिव डिवाइस हो कि एक बार यूज करने के लिए जो है ना एकदम जाना पड़े दिल्ली राजस्थान, ठीक है ना, देन इट इज नॉट आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड। और ये जो मेथड, ये जो डिवाइस है ना, ये तो हर मेडिकल स्टोर में मिलता है, तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में क्या होना चाहिए? देखो अफोर्डेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल का मतलब क्या, सस्ता होना चाहिए, हम लोग जो है खरीद पाना चाहिए, ठीक है ना, 1 लाख टका एक हो गया तो फिर कैसे होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर खरीद पाना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 3 क्या होना चाहिए? नो साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो क्या कॉन्डोम्स यूज करने से साइड इफेक्ट होता है? नहीं होता है, ठीक है ना, तो साइड इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट हो तो वो बेकार है। और फिर जो है ना इट मस्ट गिव प्राइवेसी टू द यूजर, प्राइवेसी मिलना चाहिए यूजर को, ठीक है ना, मतलब खुद से अपने से सब कुछ ये यूज कर पाना चाहिए, ऐसा एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस होना चाहिए जो अपने से यूज कर सके इंसान, तो खुद से यूज कर पाएगा, ये तो बहुत आसान है, खुद से सब कुछ कर सकता है। फेमिडोम भी खुद से ही इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में, ठीक है ना, फीमेल अपने से इंसर्ट कर देती है। तो ये सब सारे प्रॉपर्टीज फीचर्स इसमें पाए जाते हैं, कॉन्डोम्स में पाए जाते हैं, यानी कि मैकेनिकल बैरियर मेथड में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जो है ना हम लोग मैकेनिकल और बैरियर मेथड जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, या फिर आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ये सब पॉइंट्स जो है हम लोग लिख देंगे, ओके। अब आते हैं देखो नंबर टू में क्या है, नंबर टू में है केमिकल मेथड्स में जो है ना क्या किया जाता है, इन केमिकल मेथड फीमेल्स कंज्यूम पिल्स, पिल का मतलब क्या होता है, टैबलेट्स कंज्यूम किया जाता है, ठीक है ना। तो पिल्स और ये टैबलेट जो है ना ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओरल पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, शॉर्ट में ओरल पिल्स भी बोल सकते हैं, दूसरा होता है वेजाइनल पिल्स, वेजाइनल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कह सकते हैं इसको। तो ओरल पिल और वेजाइनल पिल, ऐसा नहीं है इसका नाम पे मत जाना, ऐसा नहीं है कि ओरल है तो मतलब कि खाएंगे, वेजाइनल है तो मतलब वेजाइना में इंसर्ट करके रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है,
ये दोनों ही कंज्यूम किया जाता है, मेल के लिए नहीं है ये, फीमेल के लिए है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना देखो, ओरल पिल और वेजाइनल पिल जो है इससे क्या क्या होगा। ओरल पिल्स जो है इससे इट विल इनहिबिट ओव्यूलेशन, इट विल इनहिबिट ओव्यूलेशन, मतलब फीमेल से ना ये ओवम जो है ओवम से ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, ओवरी से ओवम प्रोडक्शन नहीं होने देगा, सप्रेस कर देगा, ओव्यूलेशन होने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर कितना भी स्पर्म सेल आ जाए, ओवम ही नहीं निकला है बाहर, तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इसका ये काम है, ठीक है। वेजाइनल पिल्स ये क्या काम करता है, वेजाइनल पिल्स जो है ना स्पर्म सेल जितने सारे अंदर घुसता है ना उसको ही एकदम मार देता है, स्पर्म सेल्स को किल करता है। सो इट विल एक्ट एज स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड किसको कहेंगे, देखो अगर वीड को मारने वाला कोई दवा है तो वीडिसाइड कहते हैं, इंसेक्ट को मारने वाला दवा है तो इंसेक्टिसाइड कहते हैं, स्पर्म सेल को मारने वाला जो चीज होगा उसको कहेंगे स्पर्मिसाइड। तो ये वेजाइनल पिल्स जो है ना ये स्पर्मिसाइड की तरह एक्ट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर में कोई भी स्पर्म सेल जो एंटर करता है उसको एकदम मौत के घाट उतार देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है देखो प्रेगनेंसी को रोका जा रहा है, दोनों ही जो है प्रेगनेंसी को रोक ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल है देखो केमिकल मेथड्स का, ये जो है पिल्स का सहेली नाम का ड्रग है, सहेली एकदम बहुत ट्रेंडिंग में है अभी, ये सहेली ड्रग जो है, सहेली को जो है ना वंस ए वीक पिल भी हम लोग कहते हैं, मतलब पहले जो है फीमेल डेली करके कंज्यूम करती थी, फीमेल डेली कंज्यूम करना पड़ता था, अब सप्ताह में एक ही टेबलेट कंज्यूम करना पड़ता है, सहेली जो ये टेबलेट सप्ताह में एक ही बार कंज्यूम करना पड़ता है, और इसमें जो है ना कोई भी साइड इफेक्ट, मतलब कोई तो हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि केमिकल मेथड है तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होगा ही, इसमें जो है ना एकदम बहुत ही लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, सहेली के अंदर में। और ये कहाँ पर डेवलप हुआ था, ये जो सहेली ड्रग है ये डेवलप हुआ था सीडीआरआई मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, तो लखनऊ में जो है ना ये ड्रग ये टेबलेट जो है बनाया गया था, सहेली टेबलेट। और भी कुछ एग्जांपल है देखो, सहेली हो गया, माला डी हो गया, ठीक है, माला एन हो गया, ये सब जो है ना टेबलेट्स का नाम है ये सब, ठीक है बच्चों, ये सब टेबलेट का नाम है। अब देखो केमिकल मेथड के बाद अब आते हैं थोड़ा सा इंट्रायूटराइन डिवाइसेस में आते हैं, देखो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस नंबर थ्री, इंट्रायूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस और सिंपली इंट्रायूटराइन डिवाइस भी हम लोग बोल सकते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, IUCDS, IUCDS, या फिर अगर इंट्रायूटराइन डिवाइस बोल रहे हो तो IUDS लिखो, सेम ही चीज है, कोई यहाँ पर मार्क उस कट नहीं होगा। तो इंट्रायूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो है ना बच्चों देखो, ये जो है ना टी शेप का इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, टी शेप का, ठीक है ना, ऐसे करके टी शेप का एक स्ट्रक्चर होगा, और इसके अंदर में ना दो, मतलब ये दो तरह के होते हैं, देखो इसके अंदर में ना क्या होगा, इसके इसके ऊपर में ऐसे करके कॉपर, नेकेड कॉपर वायर ऐसे करके ना लपेटा हुआ रहता है, नेकेड कॉपर वायर, ये क्या है, ये नेकेड कॉपर वायर है, ठीक। और यहां पर जो है ये ऐसे करके दो को यहां पर ये सुतली की तरह, धागा की तरह यहां पर स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, STRING, ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये एक डॉक्टर या फिर ट्रेंड नर्स के जरिए, ये फीमेल खुद से नहीं कर सकती है, ये एक डॉक्टर या फिर ट्रेंड नर्स के जरिए, ये जो यहाँ पर यूटिरस है, यूटिरस में यहाँ पर जो है ना इम्प्लांट कर दिया जाता है, यूटिरस में आकर के यहाँ पर लगा दिया जाता है, और ये स्ट्रिंग जो है देखो ये बाहर ऐसे करके थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहेगा, ठीक है, ताकि फिर अगर ये इसको बाहर निकालना हो तो ये स्ट्रिंग को पकड़ करके ऐसे करके खींचेगा, बाहर निकल जाएगा। ये यूटिरस में लगा करके देखो कितना ये डेंजरस भी लग रहा है ये देखने में, सुनने में, कि यूटिरस में इतना अंदर में जो है ना इंसर्ट करके इसको रखा जाता है, और इसमें जो है ना कॉपर वायर होते हैं ऐसे लपेटा हो, ये कॉपर वायर जो है ना ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर वायर जो है नेकेड कॉपर वायर, दे विल प्रोड्यूस कॉपर आयंस, कॉपर आयंस यानी Cu2+, तो ये जो है ना कॉपर आयंस प्रोड्यूस करेगा बहुत सारे, देखो
कॉपर आयन जो है ना क्या करता है, कॉपर आयन एक्ट एज स्पर्मिसाइड, कॉपर आयन जो है ना स्पर्मिसाइड की तरह एक्ट करता है, स्पर्म सेल को क्या करेगा, किल कर देगा, खत्म कर देगा, स्पर्म सेल को मार देगा, ठीक है ना। तो ये काम है। और देखो ये तो एक तरह का हो गया, ठीक है ना, दूसरा भी यहाँ पर तरह का है। दूसरा में क्या होता है कि ये ऐसे टी सैप तो होते हैं, ठीक है, ये टी सैप है, और फिर यहाँ पर जो है ना ये देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक, देखो ये टी सैप है, यहाँ पर स्ट्रिंग भी होगा, ठीक है। इसमें जो है ना अभी कॉपर वायर नहीं है, इसके अंदर में यहाँ पर कुछ डाला जाता है, इसके अंदर में डाला जाता है हॉर्मोन, इसके अंदर में डाला जाता है हॉर्मोन, कौन सा हॉर्मोन, इसके हॉर्मोन में अंदर में डाला जाता है प्रोजेस्टोजेन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टिरोन नहीं, याद रखना, फीमेल में जो प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्टिरोन और एस्ट्रोजेन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर प्रोजेस्टिरोन नहीं है, यहाँ पर है प्रोजेस्टोजेन, प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशन वाला हॉर्मोन। तो ये हॉर्मोन जो है, ये हॉर्मोन क्या करेगा, इनहिबिट ओव्यूलेशन करेगा, ओव्यूलेशन को कम करने का काम करेगा, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, ओवम ओवम प्रोड्यूस नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अंदर में यहाँ पर डाल करके रखा जाता है, इसका जो है ना ये आइडियल कंट्रासेप्टिव, इसको हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर वन, ये यहाँ पर जो है नो प्राइवेसी, प्राइवेसी यहाँ पर नहीं मिलता है, ये जो है ना डॉक्टर या ट्रेन नर्स ही कर सकती है, तो अपने से खुद से नहीं कर पा रही है फीमेल, तो प्राइवेसी नहीं है यहाँ पर, प्राइवेसी नहीं मिला। दूसरा क्या है, नो प्राइवेसी टू द यूजर। दूसरा क्या है कि देखो थोड़ा सा इतना बड़ा सा भी अगर थोड़ा सा काटा वाटा अदर अगर बॉडी के अंदर में घुसा हुआ रहता है तो वो इनकन्वीनियंट लगता है वो। और यहाँ पर इतना बड़ा चीज जो है ना वो भी एकदम ये डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गेन है, इसके अंदर में घुसा करके रखा जा रहा है, तो फीमेल जो है ना फीमेल को एकदम अनकन्वीनियंट हमेशा एकदम लगेगा, हमेशा हर टाइम अनकन्वीनियंट फील होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इट इज इनकन्वीनियंट टू द फीमेल, ये इनकन्वीनियंट होता है, इनकन्वीनियंट होता है, प्राइवेसी नहीं मिलता है। नेक्स्ट नंबर थ्री देखो क्या होता है, ये बहुत बार ऐसा जो है ना ये केसेस हुआ है जिसमें फीमेल को जो है ना पता भी नहीं रहता है, और ये जो है ये डिवाइस जो है ये इंट्रायूटरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये ऐसे बाहर जो है ना निकलने लग जाता है अपने आप, ऐसे चलते फिरते समय पब्लिक प्लेसेस में निकलने लग जाता है, उस वक्त जो है क्या हाल होता होगा फीमेल, है ना, तो ये ऐसे बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। तो ये सडन एक्सपल्सन भी होता है, सडन एक्सपल्सन, एक्सपल्सन का मतलब बाहर निकलना। और देखो अगर कॉपर आयन्स वाला हम लोग यूज करते हैं, देखो कॉपर आयन वाला जो है ना इसको हम लोग कहते हैं कॉपर आयन वाला जो ये IUCTS है इसको हम लोग कहते हैं कॉपर टी कहते हैं, कॉपर टी, ठीक। और यहां पर ये हार्मोन वाला जो है ना इसको हम लोग कहते हैं हार्मोन रिलीजिंग IUDS, हार्मोन रिलीजिंग IUCDS या फिर IUDS, हार्मोन रिलीज करने वाले IUDS करते हैं। और यह है कॉपर रिलीजिंग IUDS, कॉपर टी इसका नाम है, एग्जांपल है। देखो बच्चों ये अगर कॉपर वाला हम लोग यूज करते हैं ना तो क्या होगा, स्पर्म सेल्स को तो किल करेगा ही, लेकिन एक और यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज है, ये कॉपर आयन है ना ये जो वाल है ये वाल भी डैमेज होता है, ये मदर का या फिर ये फीमेल का वाल जो है ना ये यूटेरस का वाल ये डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा अगर डैमेज हो जाए तो फ्यूचर में ना कभी भी इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, तो और कभी भी वो माँ नहीं बन पाएगी अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो, ठीक है ना। तो इट कॉजेस डैमेज टू द यूटेराइन वाल, यूटेरस का वाल जो है उसमें डैमेज होता है। तो ये सब सारे डिसएडवांटेज होने के कारण से IUCDS को जो है ना हम लोग कंट्रासेप्टिव आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस हम लोग नहीं बोल सकते। उसके बाद फिर क्या है, IUCDS हो गया। इसके बाद है बच्चों देखो अभी केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, IUCDS और फिर क्या है, अभी फोर्थ नंबर में यहां पर आते हैं। देखो फोर्थ नंबर में है यहां पर सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड जो है ये नंबर फोर्थ जो है इसके बारे में अभी हम लोग करते हैं। देखो ये परमानेंट मेथड है ना, परमानेंट मेथड है, ये एक बार अगर कर लिया जाए तो ये फिर जो है ना ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल मेथड है, ठीक है। ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में जो है ना ये किया जा सकता है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में,
तो देखो मेल में क्या क्या आता है, ये टेस्टिस है, यहाँ पर ये वास्ट इपिडेडमिस और फिर ये वास्ट डिफरेंस यानी कि स्पर्म ग्लैंड, ठीक है। सर्जरी करके ये जो वास्ट डिफरेंस है ना यानी कि स्पर्म डक, इसको यहाँ पर कट करके ये दोनों एंड को जो है ना लाइगेट कर दिया जाता है, कट एंड लाइगेट, लाइगेट का मतलब है टाइड कर देना, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर वास्ट डिफरेंस को कट किया जा रहा है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं वासेक्टोमी कहते हैं, वास्ट डिफरेंस को कट करना, यहाँ पर वास्ट डिफरेंस को कट किया जा रहा है यानी कि स्पर्म डक्ट को, देन इट इज नोन एज वासेक्टोमी। अगर फिर कोई फ्यूचर में जो है ना कोई चाहे कि हाँ फिर से माँ बाप बनने का शौक हो तो फिर क्या करना होगा, ये दोनों को खोल करके जोड़ना होगा, तब जाकर के स्पर्म सेल बाहर रिलीज आउट होगा। ये बहुत छोटा ट्यूब होता है, ये जो है खोल करके फिर जोड़ना दिस इज नॉट पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैक्सिमम केस, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल मेथड है, ये इरिवर्सिबल मेथड है, हम लोग कह सकते हैं ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल। और फीमेल में देखो बच्चों क्या होता है, फीमेल में ना हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, फीमेल इधर देखो फिर बनाएंगे नहीं, यहाँ पर जो है ये फेलोपियन ट्यूब का ये दोनों एंड को, दोनों तरफ का फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पर कट कर देंगे, टाइट कर देंगे, कट कर देंगे, टाइट कर देंगे, ठीक है। दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है इधर से स्पर्म सेल अगर अंदर एंटर करे भी तो ये इधर देखो ओवम तो इधर है, ओवम यहाँ पर है, ओवम और स्पर्म सेल कैसे मीट करेगा, नहीं मीट कर पाएगा क्योंकि बीच में तो कट कर दिया गया है। स्पर्म फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट करना, ट्यूब को, दैट इज व्हाई ट्यूबेक्टोमी। और ये भी रिवर्सिबल नहीं है, ऐसे खोल करके फिर से जोड़ना पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम केसेस फेलर ही होता है, ये तो और भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्पर्म डक्ट जो है ना वास्ट डिफरेंस ये बहुत ज्यादा ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये सब मेथड्स है बच्चों, किसका, कंट्रासेप्शन का मेथड से, ये सब सारे, ठीक है।